एक तरह से फिल्म स्टार बनकर वो विदा हो गई, एक नामी चेहरा बनकर विदा हो गई। हालांकि उसने अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को, अपने घर को, अपने परिवार को, या कह सकते अपने माहौल को दिखाया जो लोग देखना चाहती थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक रहन सहन भी एक मायने रखता है, थोड़ा रहन सहन सब कुछ दिखाना अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप खुद गंदे तरीके वेलकम के माई अपना। चैनल पी एस ब्लॉग शिल्पी। तो सबसे पहले जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जो सभी लोग जो यूट्यूब पर हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या यूज करते हैं, तो वो लोग देख रहे हैं मालती चौहान, जैसे कि जहाँ उनके जा उस उनकी एक तरह से कह सकते हैं देखने वाले या चहेते लोग यहाँ यूपी बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ही नहीं, या कह सकते हैं बाहर जो सात समुंदर पार थे वो भी उनको देखते थे। हालांकि जैसे कि आप लोग जानते हैं वो वीडियो इस तरीके का डालती थी, एकदम गंदे, पता ही नहीं चलता था कि वो नहाई धोई है कि नहीं। उसके अंदर साफ सफाई और क्या कहते हैं रहन सहन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हालांकि वो ग्रामीण क्षेत्र से थी और गरीब फैमिली से उठकर एक तरह से कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल नीचे, गरीब से भी ज़्यादा गरीब भी बोलें, उस कंडीशन से उठकर इतने बड़े करोड़ों की मालिक बनना, या कह सकते हैं लाखों रुपए कमाना, मुझे नहीं पता करोड़ों उसने कमाया कि लाखों रुपए कमाए, मुझे किस मालूम नहीं। बस ये है कि ज़्यादातर सभी लोग पढ़े लिखे हों वो भी उसके वीडियो देख लेते थे, और जो अनपढ़ थे वो तो जैसे आप लोग जानते हैं, और जो बहुत जो गंदे वीडियो पर देखना पसंद करते हैं वो तो ये सोचिए कि उसका एक वीडियो भी मिस ना करते होंगे। और इसके पीछे उसका पति को भी कह सकते हैं कि उसकी जो मौत हुई तो उसके ज़िम्मेदार उसका पति है, हालांकि दोनों लोग ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहला मुझे उस पर तो चलो ठीक है दया आना चाहिए वो भी अपने तरफ से। अब ले उसके अंदर कोई रहन सहन, जैसे जब गरीबी रहती है पैसा नहीं रहता है तो आदमी के पास मजबूरी रहती है कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हम गंदे ही कपड़े पहनेंगे, हम फटे ही कपड़े पहनेंगे, हम साफ़ सफाई जब कहाँ से पाएंगे जब हमारे पास कुछ है ही नहीं सुविधा। लेकिन जब इतना पैसा कमाने के बाद भी वो ऐसे गंदे वीडियो उसका पति डाल देता था, मालती देखो ये कर रही है, मालती देखो ये कर रही है, बेचारी कपड़ा धो रही है, बैठी है, खा रही है, पी रही है, यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि पता नहीं फीडिंग कराते हुए भी उसका वीडियो अपलोड कर देती थी। तो सबसे पहले उसका हस्बैंड भी उसका इतना उसे जब इतना बनता है तो उसे भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे घर की कह सकते हैं हमारे घर का परिवार है, हमारे घर की सदस्य है, तो हमें इतनी गंदी वीडियो नहीं पोस्ट करनी चाहिए उसकी। लेकिन फिर भी वो अब एकदम फूहड़पन के तरीके से जैसा उसका पति उसके साथ जैसी वीडियो पोस्ट करना चाहता था वैसे ही कर देता था, लेकिन उसको खुद मना करना चाहिए, मेरे इतने गंदी वीडियो यदि आप डालते हैं तो डिलीट करवाना चाहिए। तो इस तरीके से उसका आदमी भी उसका थोड़ा ये रहता कि उसे भी लगता कि चलो हम गलत कर रहे हैं, तो वो खुद गंदी वीडियो हटाता। लेकिन उसने वो खुद ही उसे इतना दिमाग नहीं था, या कह सकते वो एक तरह से पता नहीं मेंटली थी क्या, जो कुछ भी डाल देते। हालांकि सोशल मीडिया में लोग व्यू पाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कितनी गंदगी फैला रहे हैं। चलो मालती चौहान तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया में आज की स्थिति में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और सब बच्चे सबसे ज़्यादा यूट्यूब से क्या सीख रहे हैं, हमेशा गलत चीज़ें जो उनने देखी नहीं, उन्हें ये चीज़ें आकर्षण का उनका विषय बन जाती हैं। तो उनका जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगता था कि चलो सुलह हो जाएगी। जब मैंने ये वीडियो देखा उसका कि उसके पति ने उसकी शादी करवा दी, वो कह रही हाँ हम रहेंगे, उसे खुद दिमाग नहीं है। अगर वो प्रंक था, वो प्रंक भी ऐसे छोटे मोटे नहीं, पारिवारिक झगड़े, एक दूसरे को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, फिर भी वीडियो वो दे रहे हैं। वीडियो देना चाहिए पारिवारिक है, कुछ सीखने को मिले। आप सोशल मीडिया में उसका सही इस्तेमाल करो। कोई और भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी गंदगी फैला रहे हैं, तो बस उन लोगों से सीखो जो गंदगी फैला रहे हैं, कि देखो जो ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं या कह सकते हैं जो ज़्यादा गलत होते हैं तो उन्हें किस तरीके से परेशान होना पड़ता। लेकिन वो परेशान करने वाला उसका कोई नहीं था, उसका खुद का पति था। पति वीडियो बना रहा था, जब पति मिलकर पैसे कमा रहे थे दोनों लोग, तो उन लोगों को अलग नहीं होना चाहिए था। आप गलती किसी की भी हो, लेकिन गलती आप लोगों ने देखा है वीडियो में कि दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे कि ये इसके साथ है, ये उसके साथ है, उनका रिलेशन ऐसा ऐसा। तो सबसे बड़ी बात है कि हर लड़की को या लड़के को छोटे से ये सोचना चाहिए, यदि हमारे घर में कोई जिम्मेदारी बनकर आती है तो सबसे हमारी उसके प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम उसका अपमान करेंगे तो वो हमारे सारे घर का अपमान करेगी।
तक वो उसके साथ पैसा मिलकर कमा रहा था तब तक कुछ नहीं, और जब कहते हैं लड़की है दिमाग नहीं था, हो सकता उसके पास दिमाग नहीं था, क्योंकि मुझे भी उसकी वीडियो देखने में ऐसा लगा कि उसके पास ज़्यादा दिमाग नहीं, कुछ भी दिखा रही है, कहीं ये वो सही गलत उसे पता ही नहीं था। लेकिन तब भी उसकी वीडियो में कहीं ना कहीं जब वो शादी करके बोला कि हमारे पास झूठा इल्ज़ाम लगाया, हमने ये प्रंग किया था शादी करने का, मेरी ये मांग देख लो, मेरी ये मांग देख लो, रेड कलर की मेरी पति की मांग है, और ये रेड का ये दूसरे कलर का, जैसे आप लोगों ने देखा है सिंदूरी कलर का वो अलग किया था पीली कलर का, तो कह रही थी कि ये उसका है, भाई का है। बताइए उसने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा किस काम का वो पैसे, और उसका पति जो मर गई तो वो तो चली गई, सीधी सी बात है। हालांकि उसे अपनी ज़िंदगी नहीं जी, समय बदलता है, अपनी ज़िंदगी जीती तो फिर से सभी रास्ते खुलते, फिर से सभी चीज़ें सही हो सकती थी। कुछ कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बड़ी बड़ी समस्याएँ, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ अपने आप सही हो जाती हैं समय के हिसाब से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड को देखा देखी लोग हर एक छोटे, गरीब, मिडिल और कहते हैं लोअर मिडिल, बड़े की बस एक क्रेज सा बन गया है कि इधर नहीं उधर नहीं इधर, बल्कि पहले की जो रीति रिवाज थी कि यदि हमारा यदि हमारी जोड़ी बन गई है तो हमें उसे चलाना है अच्छे से, वो हमारी जिम्मेदारी है, और यदि कोई परिस्थिति एक दूसरे का साथ देते थे परिस्थिति में। लेकिन अब यदि कोई इसी तरह की कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो सबसे पहले अलग हो जाते, पति पत्नी ही अलग हो जाते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे क्या होता है कि इससे सबसे ज़्यादा बर्बाद या परेशान या इससे भविष्य किसका खराब होता है, बच्चों का। जैसे आपने काफ़ी देखा होगा कितनी पहले की महिलाएं भी बड़ी स्ट्रगलशील थी, कितनी परेशानी सहकर भी अपने बच्चों को बड़ा करने के बारे में सोचती थी, और अब हैं तो बस का बदनामी या पति का कह सकते हैं उसके उसे नीचा दिखाना लोग नहीं सहन कर पा रही हैं आजकल लड़कियां। लड़कों का भी तो कहें तो एक तरह से उन्हें बोलते लड़का है, तो इस वजह से उन्हें भी संस्कार के नाम से या कहते हैं सभ्यता के नाम से पीछे कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें भी लड़कियों से भी ज़्यादा सिखाना चाहिए कि तुम्हें आदर सम्मान करना है, और प्लस तुम्हें अपने तो यदि एक दूसरे को एक दूसरे को लेकर चलना है अपनी अपनी जगह में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा, मैं तो यही कहूँगी कहीं ना कहीं उसका पति भी गलत है, मैं क्या पूरी दुनिया यही कहेगी उसका पति भी गलत है। कहीं ना कहीं पैसे तो कमाए जाते, भले कम कमाओ थोड़ा कमाओ, लेकिन यह इज्जत की कमाओ, और ये ना हो कि पता चलो वो पैसे एकदम पैसा कोई लेके तो जाता नहीं है, पैसा सिर्फ इसलिए कमाता है कि हमारा पेट चल सके और हम किसी के आगे मोहताज ना रहें। वो दोनों लोग पैसों के चक्कर में इतने एक दूसरे को बदनाम कर रहे थे, और कह सकते हैं व्यू पाने के चक्कर में वो कुछ भी करती थी तो लगता था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे, लड़ रहे, गाली गलौज कर रहे, तो उनका जो उनका लड़ाई झगड़ा वाला वीडियो को ज़्यादा ही वायरल होता था, क्योंकि लोगों को मज़ा आता था उनका वायरल उनको देखने में। बीचों बीच फ़ायदा उठाया मीडिया ने भी कि छोटे छोटे यूट्यूबर पहुंच जाते थे, ऐसा क्या उसे इतना परेशान कर दिया था मालती चौहान को, ये सोचिए लड़ाई झगड़े के बाद कि वो ना तो वो मायके रह पा रही थी ना वो ससुराल रह पा रही थी, उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी। बार बार लोगों का आना, बार बार लोगों का जवाब देना इतना आसान नहीं है, वो तो एक अनपढ़ लड़की थी, सोचिए ऐसा कोई साधारण इंसान भी इतने सारे लोगों का जवाब दे इतना आसान नहीं हो सकता। मैं तो बस यही कहूँगी मेरी सिंपैथी ना उसके उसका पति के प्रति है ना उसके प्रति ज़्यादा, लेकिन उसके प्रति बस इस चीज़ का दुख है कि उसको मरना नहीं चाहिए था, और कोर्ट केस हुआ, जाने क्या क्या हुआ, पूरा केस सुलह भी हो गया, और फिर भी एट लास्ट उसने ऐसा किया, गलत किया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, उसने सही किया या गलत किया। यही है, गलत के साथ गलत ही होता है, और जैसे विष्णु राज है तो उसको भी और भी कोई गंदगी फैलाने वाले यूट्यूबर हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी सबक ले लीजिए, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोग कुछ अच्छा दिखा के किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करके, ना किसी की ज़िंदगी में गंदगी फैला के, और यूट्यूब है, इंस्टा है या फेसबुक है, इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करें। हम लोग भी वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन इतने गंदे और घटिया वीडियो कभी पोस्ट नहीं करना चाहते, चाहे हमें एक चौन पैसा ना मिले, एक रुपए भी ना मिले। बस मैं यही कहूँगी कि जो मिडिल क्लास वाले हैं, माँ बाप हैं, कोई भी हो, लोअर मिडिल क्लास है, जिसके जो बच्चे गरीब परिवार का भी होता है आदमी, तो ये सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर सलामत रहे, हमें सहयोग दे, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि आगे चल के हमारा जिसे हम पाल पोस के बड़ा करें वो आगे चल के मर जाए, ऐसा कोई नहीं सोचता। सोचिए जिसकी लड़की गई उसे क्या बीत रही होगी, क्या उसे लग रहा होगा, उसके दिल पर उसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी।
सबसे बड़ी बात उस पर क्या बीत रही होगी जिसका छोटा बच्चा है, ना जिसे जी एक मालूम कि हमें खाना कौन खिलाएगा, क्या है क्या उसका, तो कोई एक तरह से आप लोग देख सकते हैं उसका तो भविष्य खराब हो गया। लेकिन ये है कि इतना लाखों करोड़ों रुपए कमाया, जितना भी कमाया, देखा आपने अपाची और जाने क्या क्या फोर व्हीलर भी उन्होंने ले ली, घर भी बना लिया था, अच्छी बात है पैसा कमाया, लेकिन इतनी बुरे तरीके से पैसा कमाना वो किसी तरह का सार्थक नहीं लग पाया। बस ये है से ये सब दोनों लोग गलतफहमी के शिकार हुए एक दूसरे की लड़ाई झगड़े में। नहीं तो आप लोग जानते हैं कितने सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पति गलत है, कहीं पत्नी गलत है, फिर भी एक दूसरे एक बाद में आकर मिल जाते हैं और अपना रिश्ता आगे बढ़ाते हैं, लिए नहीं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बदनामी के से बचने के लिए। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने इस टॉपिक पर मैं कभी बात नहीं करती, मैं किसी भी यूट्यूब के बारे में बात नहीं करती, लेकिन वो क्या है कि हम लोग भी वीडियो देख लेते थे और उसके जब मैंने देखा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो मालती चौहान का ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा वो लोग फिर से ऐसी कोई झूठी वीडियो बना रहे होंगे और ये सब ऐसे ही दिखा पाओगे व्यू पाने के चक्कर में। लेकिन हकीकत में जब हमने मैंने रात में 11-12 बजे देखा तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। फिर ये सोची कि मुझे ये लगा कि बहुत ख़राब हुआ ऐसा, हालांकि गलती किसी की हो लेकिन जान जाना बहुत बड़ी गलती है, दोनों लोगों की गलती है, यहाँ तक कि मीडिया की भी गलती है। एक लोग गलत नहीं है, दो लोग गलत नहीं है, जितने आसपास के लोग हैं उनका बैकग्राउंड ही पूरा एक तरह से बन चुका था, तो वो चीज़ सारा माहौल गलत था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। कुछ लोग गलत थे तो कुछ लोग सपोर्ट करते, कुछ लोग अपने घर को संभालते, कुछ लोग उनके माता पिता हैं, कहीं कोई है, कहीं कोई है, कहीं ना कहीं परिवार में सब कुछ रहते हैं, तो वो लोग संभालते समझाते, लेकिन नहीं, किसी ने समझाया नहीं और वो गलत कर बैठे। इसके वजह से उसका बच्चा बर्बाद, उसका परिवार बर्बाद, उसने जितनी संपत्ति कमाई, धन कमाया, वो धन कहाँ कोई काम का नहीं, बल्कि उस धन का उपयोग जैसे आप लोग जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो अब जब काया ही नहीं बची है तो अब सुख किसका, अब धन का क्या काम, ये हो जाता है। और सीधी सी बात है, वो जेल चला जाएगा, मालती चौहान बेचारी मर गई, लेकिन दुख मुझे बहुत हुआ सोच के और दिमाग ख़राब बहुत हुआ, एकदम लगा थोड़ा सा दुख तो सबको हुआ होगा, क्योंकि सब लोग मुझे लगता है चाहे जितने छोटे लोगों से एक ज़मीनी स्तर से लेकर बड़े से बड़े लोग भी उस लोग उसको भले चाहे एक झलक देख लेते, सब उसको देख ही लेते थे, जानते ही थे कि ऐसी ग्रामीण सभ्यता होती है। बस यही कहूँगी कि उसकी आत्मा को शांति मिले और बस, मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर, कौन गलत था कौन सही था तो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग तो देख ही रहे होंगे, मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब सुनकर। तो चलिए जो भी होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और मेरा ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं लगा इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसी आप लोगों से आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करी जाएँ।